सभी साथियों को नमस्कार। और ये वीडियो आज हम आपको अवगत करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थियों के लिए और वेटिंग वालों के अभ्यर्थियों के लिए। और अगर मैं उनकी मेहनत की बात करूं, जो ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थियों ने जो मेहनत की है वो काबिले तारीफ़ है। उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया है, मैंने इतना काफ़ी कुछ संघर्ष देखा है। होल्ड में मेरा ज़रूर नाम नहीं है, लेकिन होल्ड के अभ्यर्थियों को मैंने बहुत ज़्यादा अपने स्तर पर प्रयास करते हुए देखा है और वेटिंग वालों को भी उनके साथ ही देखा है। साथियों, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत कुछ आपने संघर्ष किया है और कई अब 1 साल होने को आई, आपने भी 1 साल के लगभग संघर्ष कर लिया, लगभग लगभग 1 साल आपने संघर्ष किया है साथियों, और फिर भी हम प्रयासरती हैं। साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है, जो ओबीसी और वेटिंग में है, ओबीसी होल्ड में है और जो वेटिंग में है, साथियों आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि जो न्याय, जो मध्य प्रदेश सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों। ये एक साफ क्लियर होने के बाद भी माननीय जज सुधांशु धूलिया जी और अनिरुद्ध बोस जी, जिनकी बेंच में एनसीटी गजट को रद्द किया गया, अपात्र घोषित किया गया, इनवैलिड किया गया, और उसके बाद से भी निरंतर जो याचिकाएं लगाई जा रही थी, मतलब बीएड की तरफ से या अदर गवर्नमेंट की तरफ से जो याचिकाएं लगाई जा रही थी, उन पे निरंतर जज महोदय जी द्वारा उनको निरस्त किया गया, खारिज किया गया, जुर्माने तक भी लगाए गए, क्योंकि जो इनवैलिड की तरफ लग रहे हैं, उनकी तरफ लड़ रहे हैं, जबकि वो खारिज हो चुका है, 28 जून 2018 से खारिज हो चुका है। साथियों, अनिरुद्ध बोस, सुधांशु धूलिया जी जो जज हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने निष्पक्ष रूप से न्याय कर दिया है। तो साथियों, अब हमें जो हमारी गवर्नमेंट्स है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वो भी वहाँ पे बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उनको बचाने के लिए वहाँ गई है और उन्होंने काफ़ी कुछ दम लगाई है, आपने जैसे पहले अगली सुनवाई में सुना है। तो साथियों, हमारा हक और अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है, हम पात्र अभ्यर्थी हैं, हम उसके लिए एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने प्राथमिक के लिए जो अपना डीएलएड किया है, जो अपने लिए योग्यता निर्धारित थी उसके अकॉर्डिंग अपने जो जो हम सबने परीक्षा पास की है। तो साथियों, हम क्यों ना उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो साथियों, जहाँ तक जो प्रयास है हम सब निरंतर कर रहे हैं, और ओबीसी के सभी अभ्यर्थियों ने काफ़ी कुछ मेहनत की है, डीएलएड के अभ्यर्थियों ने सभी अपने स्तर पर खूब प्रयास किए हैं, और उसके बाद भी उनके जो क्लियर होना था वो क्लियर नहीं हो पाया है। साथ ही अंतिम मौका है, जो कि जो मध्य प्रदेश सरकार वहाँ पे गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने जो कि बीएड की तरफ से भी उनका सपोर्ट है, तो हम सब डीएलएड के अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो उनकी तरफ से मनु सिंघवी जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनको उनने कर लिया है, और मतलब उनके लिए उन्होंने जो फंड था वो मैनेज कर लिया है, और तुषार मेहता जी हैं जो कि सीनियर एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने इससे पहले भी सुनवाई की है, तो आने वाली सुनवाइयों में उन्होंने दो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स कर लिए हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे बीएड की तरफ से, दोनों की तरफ से कर लिए हैं। साथियों, नौकरी बचा रहे हैं वो लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा तो हक और अधिकार है। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगा जो वेटिंग में है 4,200, और जो ओबीसी होल्ड में 882, उसमें आधा आधे अपन कर भी लेते हैं, मान लीजिए 50% कर लेते हैं, तो 400 के समथिंग तो ओबीसी होल्ड में है, और 2,000 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि वेटिंग में हैं, सभी कैटेगरी के लोग हैं उसमें, तो सभी को अगर वो दो दो तीन तीन हज़ार, कम से कम 5,000 अभ्यर्थी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करते हैं, आपको पता है कि जो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स आते हैं, आपको पता है 10 लाख के लगभग सबकी फ़ीस होती है, जब दूसरे अभ्यर्थी हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए इतना इतना कर रहे हैं, कुछ वो नौकरी बचाने के लिए मात्र बचाना है, और हमको नौकरी पाना है, हमें अपना हक लेना है, क्योंकि हम भी एलिजिबल हैं, हमने भी क्वालिफाई कर चुके हैं, और हम उसके लिए बिल्कुल पात्र हैं, उसके बाद भी हम अपनी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें हम सीनियर वकील को उतार पाएँ। मध्य राजस्थान के डीएलएड संघर्ष समिति जो कि अपना बेंच सीनियर एडवोकेट्स को उतार सके, तो हम सभी को
राव कुमार सर और बिमल भाई के जो अकाउंट नंबर है तो उन पे सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंडिंग करें। साथियों आपको जागना पड़ेगा, अंतिम मूवमेंट है, हमने सारे कुछ प्रयास कर लिए हैं। और आपको पता है जो जमीनी स्तर पे प्रयास होता है, मैंने ओबीसी अभ्यर्थियों को देखा है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, और वेटिंग वाले भी उसमें शामिल रहे हैं, वेटिंग वालों ने भी काफ़ी हद तक की है। और साथियों आप मुझे तो हर वक्त देखते ही हैं, मैं भोपाल में रहता हूँ और हर वक्त मैंने अपडेट करवाई है चीज़ें, हर वक्त मैं हर कल भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से शाम को मिला था, तो हम सारी चीज़ अपडेट करवाई। और हमारे एक अभ्यर्थी भी है जो कि भोपाल से दिल्ली के लिए माननीय मोदी जी से अपना हक मांगने के लिए वहाँ गए हैं, तो उनका सभी को वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने एक संघर्षरत अपने हाथ में लेकर और अपना न्याय के लिए गए हैं साथियों, क्योंकि वो उनकी भी सारी प्रोसेस हो चुकी है, सारी प्रोसेस होने के बाद उनको नियुक्ति नहीं मिली है, तो ऐसे अभ्यर्थी जागरूक अभ्यर्थी हैं और तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। साथियों मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी यही है कि देखो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाइयाँ, और इस समय जो मूवमेंट है वो अंतिम मूवमेंट होने वाले हैं, और जो भी डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट से अब जो क्लियर हो जाएगा वही हमारी गवर्नमेंट मानेगी और वही हम सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। तो साथियों हम सत्य की तरफ लड़ रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो साथियों सभी लोग 2000 4000 मतलब 3 4 हज़ार से ज़्यादा लोग फंडिंग करें, प्रत्येक व्यक्ति अगर 3 और 4 हज़ार तक फंडिंग करता है तो हम दो से तीन सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल जी और माननीय कोई और अच्छे जज को हम सॉरी अच्छे एडवोकेट्स को हम उतार सकेंगे। तो मतलब वहाँ से गवर्नमेंट और बीएड की तरफ से दो बड़े बड़े जो वकील हैं और सीनियर एडवोकेट्स हैं वो माननीय उतार दिए गए, उन्होंने कर लिए हैं, मतलब उन्होंने फंडिंग कर ली है, उन्होंने सारा कुछ मैनेज कर लिया है, मतलब दो सीनियर एडवोकेट्स बीएड और सरकार की तरफ से वहाँ मौजूद रहेंगे, मनु सिंघवी जी और जो मेहता जी हैं वो दो सीनियर एडवोकेट उनकी तरफ से हैं। साथियों हमारा हक और अधिकार है, हम उसके लिए एलिजिबल हैं, उस प्राथमिक के सबसे ज़्यादा जो हक है वो डीएलएड का है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि माननीय जज साहब जो सुधांशु धूलिया जी हैं उसी उन्हीं की बेंच में जाने वाला है, तो वो अब क्लियर करेंगे, तो हमको भी चाहिए कि हमारी तरफ से भी दो तीन सीनियर एडवोकेट्स हों, कपिल सिब्बल जी हों, और भी हम नारायण शंकर जी जो कि वो भी बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं, तो उनको भी हम ला सकें और सीनियर एडवोकेट्स को ला सकें, इसीलिए हमें फंड की बहुत विशेष ज़रूरत है साथियों। तो इसीलिए आपको विशेष तौर पे मेहनत करने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे डीएलएड के सभी अभ्यर्थी, ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थी, वेटिंग में अभ्यर्थी वो जागरूक हो सकें। साथियों मैं भोपाल में हूँ, आप सब जानते हैं, मैंने हर दिन नई अपडेट दी है, हर दिन मैं शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम और अदर सभी जो मंत्री हैं मंत्रीगण हैं उन सबसे मिलता हूँ, मैं सबसे बात रखता हूँ, सबसे उनसे चर्चा करता हूँ मैं जो मेरे स्तर से होता है, और न्यूज़ में भी सारी अपडेट होती हैं आप सब जानते हैं। साथियों इस समय मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो यहाँ का जो मैनेजमेंट चल रहा था वो हमारे साथ ही कुछ 100 200 डाल के हेल्प कर रहे थे मुझे, जो कि मैंने अब तक 20 से 20 22 दिन यहाँ से चलाया और रोज़ न्यूज़ अपडेट करवाई और उसमें मेहनत की, ये साथियों तो मैनेज कर रहा था, लेकिन जो मैंने 10 हज़ार फंडिंग की वो अलग से मैंने अलग से कहीं से मंगवाए, जो कि अलग से रिलेशन से मंगवाए, और मैंने वो फंडिंग की वो भी मैंने मान लीजिए उधार लेके की है, मतलब मैं उनको दे दूंगा जब भी मतलब मेरे से होगा मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने वो अपने पर्सनली लिए हैं। साथियों अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ तो आप देख सकते हैं 100 200 में किसी कुछ बिगड़ा नहीं जा रहा है, अगर मैं ये आवाज़ यहाँ पे आपकी दवा मजबूत बना के रखूँ तो, क्योंकि यहाँ के भी रोज़ के खर्चे होते हैं साथियों, तो पर्सनली खर्चा जो पर्सनली हम जो कि बी एड डी एड में लगा सकते हैं वो आप पर्सनली 5 5 हज़ार या 4 हज़ार जो भी लगाएं वो अपने घर से लगाएं, और जिससे कि हम अपने केस को जीत सकें जिसमें सभी की भागीदारी है। साथियों तो आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बी एड के अभ्यर्थी आपको कुछ भी कहेंगे, अरे मैं कहता हूँ वो अभ्यर्थी भी आपको भड़काएंगे जिनका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होना है, जो अभी तक लिस्ट से बहुत दूर हैं, जो अभी भी वो आस लगाए बैठे हैं वो आपको ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, जो लगे हुए हैं उनको तो पता ही नहीं कि आप कौन क्या है, लेकिन जो अभी तक नहीं लगे हैं जो सिर्फ बहुत दूर हैं वो भी आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको उनके चक्कर में नहीं आना है, उनके कमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं समझना है, उनको कमेंट्स को मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है साथियों। लेकिन जो नौकरी लग चुके हैं, जो हक खा चुके हैं अपनी, तो उनको देखना है, क्योंकि वो
हम अपनी नौकरी बचाने के लिए लगे हैं, जबकि हम जबकि वो हमारा हक खा चुके हैं ऑलरेडी, हमारा जो DL.ED के अभ्यर्थी उनका हक खा चुके हैं। साथियों तो आप सभी अभ्यर्थी 4-5 हज़ार तो प्रत्येक अभ्यर्थी दे सकता है आराम से, तो वो अभ्यर्थी ज़रूर DL.ED संघर्ष समिति को अपना योगदान दे जिससे कि सीनियर एडवोकेट्स आए, और क्योंकि अब की बार जो फाइनल हो जाएगा वही क्लियर हो जाएगा, वही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वही लागू रहेगा, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो डिसाइड होगा। तो साथियों अंतिम मोमेंट है, इसमें हम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रुक सकूँ, मैं यहाँ पे रहूँ, निरंतर मुद्दे उठाता रहूँ, आपसे निरंतर आपकी बात वहाँ तक पहुँचाता रहूँ, तो आप मुझे उस चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं। बाकी मैं आज निकल रहा हूँ घर, क्योंकि मेरे पास यहाँ रहने के लिए एक भी पैसा नहीं है। आज तक का जो यहाँ का रूम का रहने का था वो सब दे चुका हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं है घर जाने लायक भी, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ट्रेन से। और बाकी आप देख सकते हैं, बाकी साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हमें चारों तरफ से मेहनत करने की ज़रूरत है, हम हर तरफ से, इसीलिए मैं यहाँ पे जो मूवमेंट बना के रखा था प्रोसेस चालू करवाने का और उसको हाईलाइट करने का, तो मैं पूरी दम लगा के कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ यहाँ पे, जो सबके सहयोग से मैं अकेला यहाँ पे कर सकता था, उस मुद्दे को उठा सकता था, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे मंत्री जी से खुद मिलने तक का हो, तो मैंने हर उस मुद्दे को उठाया है। फिर मैं चला जाऊँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, चला जाऊँगा, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहेंगे तो मैं रह भी सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन बाकी आप को सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जो चल रही हैं जो सुनवाई है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो पक्ष, क्योंकि पक्ष अपना है, क्योंकि हक अपना है, तो पक्ष हुए अपन, जो विपक्ष है जिन्होंने जिन्होंने अपना हक खाया है और जो अपने बचाव के लिए लगे हुए हैं, मतलब तो हमें वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, शेयर करो, सबके पास वीडियो जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, समझें, सोचें। देखो 5-10 हज़ार में कुछ नहीं होता, ठीक है, 5-10 हज़ार में कुछ नहीं होता, अगर हमारे सीनियर एडवोकेट्स आ गए इस बार फाइनल हो जाएगी लास्ट सुनवाई में। और आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि माननीय सुधांशु धूलिया जी जिन्होंने अपना इस DED BED मैटर केस को सुना था और उसके बाद उन्होंने NCT गजट को रद्द किया था, वही सुनवाई करेंगे और उन्हीं की बेंच में ये जाएगा केस। तो और अपने पास अगर सीनियर एडवोकेट्स होंगे, दूसरी तरफ भी सीनियर एडवोकेट्स होंगे, लेकिन सत्य सत्य होता है तो ज़रूर अपना न्याय हो जाएगा। इस मूवमेंट को आपको समझने की ज़रूरत है साथियों। बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप सब जानते हैं, डीमोटिवेट नहीं होना है और किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। देखो सत्य की तरफ जो लड़ता है ना और अपने हक के लिए जो लड़ता है ना, उसको दबाने वाले घर से शुरुआत हो जाती है, घर से शुरुआत हो जाती है, मतलब अपने ही साथी लोग, घर का मतलब है अपने ही साथी लोग ये कहेंगे कि नहीं यार उसमें कुछ हो नहीं सकता ये वो, लेकिन न्याय आपको साफ साफ दिख रहा है, न्याय 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 होकर रहेगा। और ये अंतिम मूवमेंट है, इसमें अगर आप सब साथ देंगे तो सबका होगा और न्याय मिलेगा और हम जरूर सबकी जॉब होगी, ठीक है साथियों। बाकी सब आप जानते हैं, बाकी सब आप समझते हैं, ठीक है साथियों। तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो जिससे सभी एक्टिव हो सके, और OBC होल्ड के सभी अभ्यर्थी और DL.ED के जो सभी OBC होल्ड के अभ्यर्थी और जो वेटिंग में हैं उनको अंतिम रूप से आप समझ लीजिए, आप क्या दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वेटिंग वाले वो तो ये समझते हैं कि बस हमें तो क्या करना, हमारा तो वैसे हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर में, अगर कुछ भी राहत मिलती है BED को, तो ये मान लीजिए फिर इस भर्ती में आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, यहाँ से आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको अंतिम रूप से करने की ज़रूरत है। और बाकी देखो मैं निकलता हूँ फिर, बाकी हाँ जो अपने साथी गए हुए हैं प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी और जिनकी चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, वो भी बहुत ज़्यादा संघर्षशील व्यक्ति हैं और वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गए हैं, उनका बड़ा संघर्ष है, तो हम जो भी होगा उनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है साथियों। तो और मैंने आपको सारी बात बता दी है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर चल रहे हैं, वहाँ जो अगली सुनवाई होने की उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड, मैं यहाँ पे अगर रह सकूँ तो आप उसका समझ सकते हैं, लेकिन मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए हमें सीनियर एडवोकेट्स, हर हालत में सीनियर एडवोकेट्स चाहिए, क्योंकि जो माननीय जो जो अपनी गवर्नमेंट है वो और बाकी जो जो लगे हुए हैं साथी BED के अभ्यर्थी, उन्होंने उनकी तरफ से 2 सीनियर एडवोकेट्स आ चुके हैं, तो हमको भी अब सीनियर एडवोकेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमको न्याय दिला सकेंगे और हमें अपना हक दिला सकेंगे, और वहीं से ही सभी चीज़ डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है साथियों।
बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, इससे सभी अभ्यर्थी जागरूक हो सकें, समझ सकें। ठीक है, धन्यवाद।